शाहरुख खान के जवान ने हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पाई है। इस फिल्म ने पहले दिन देश भर में 75 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है। इसमें से 65 करोड़ रुपए फिल्म के हिंदी वर्जन से आए हैं। वहीं जवान ने दुनिया भर से पहले दिन में 129 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कमाई के रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद जवान सलमान खान की फिल्मों के फुटफॉल्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। ऐसा फिल्म के टिकट के बढ़ी हुई कीमत की वजह से हुआ। शाहरुख खान की पिछली फिल्म पठान के पहले दिन कुल 33.01 लाख टिकट बिके थे, यानी इतने लोग फिल्म देखने आए। इन टिकटों की बदौलत पहले दिन फिल्म ने 55 करोड़ रुपए के ऊपर की कमाई की। वहीं जवान ने उससे भी बड़ी 75 करोड़ रुपए की ओपनिंग पाई। जवान के पहले दिन के लिए बिकेट टिकटों की कुल संख्या 35 लाख के आसपास बताई जा रही है। इससे पहले भी शाहरुख खान की दो फिल्में ओपनिंग डे पर 35 लाख फुटफॉल्स का आंकड़ा टच कर चुकी है। ये फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर। ये किसी भी फिल्म या स्टार के लिए टॉप नंबर्स है। इसके बावजूद जवान सलमान खान की एक था टाइगर और प्रेम रतन धन पायो के फुटफॉल्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। 2012 में आई एक था टाइगर के पहले दिन के 40.70 लाख टिकट बिके थे। इससे फिल्म ने पहले दिन 32.93 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 2015 में आई प्रेम रतन धन पायो के पहले दिन फुटफॉल्स 44 लाख रहे थे। इस फिल्म ने 40.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इससे ऐसा भान हो रहा है कि शाहरुख के फिल्मों के टिकट कम बिक रहे हैं, मगर कमाई ज्यादा हो रही है। कई लोग इस चीज को ऐसे भी देखेंगे कि मेकर्स ने फिल्म के कलेक्शन में कुछ झोल किया है, मगर असल माजरा कुछ और है। ऐसा फिल्म की बढ़ी हुई टिकट प्राइस की वजह से हो रहा है। एक था टाइगर के रिलीज के वक्त मल्टीप्लेक्स में टिकट का प्राइस 160 से 200 रुपए के बीच था। वहीं सिंगल स्क्रीन में इस फिल्म की टिकट 50 से 80 रुपए के बीच बिक रहे थे, जबकि जवान के टिकट्स मल्टीप्लेक्स में 300 और 450 रुपए के बीच बिक रहे हैं। वहीं इस फिल्म के सिंगल स्क्रीन के टिकट 150 से 200 रुपए के बीच हैं, यानी जवान के टिकट एक था टाइगर के दामों से दोगुने पर बिक रहे हैं। उसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ रहा है। हालांकि पठान और जवान दोनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि जब पठान ने देश भर से 550 करोड़ रुपए कमाए तो विदेशों से 500 करोड़ रुपए कमा लिए, तभी तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1050 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं जवान ने इंडिया में 75 करोड़ रुपए की ओपनिंग पाई है, जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 129 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। शाहरुख खान का मेगा स्टारडम वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर भी किसी हिंदी फिल्म के लिए इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत बड़ा नंबर है। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइएगा। जानकारी जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांग शेखर ने। मेरा नाम है सोनल। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।